उज्जैन की शिप्रा नदी के तमाम घाट और मंदिरों पर लाखों भक्त श्रद्धालु मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे और शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की। मंदिरों में और शिप्रा नदी के प्रमुख घाटों पर लाखों भक्तों की भीड़ और उपस्थिति का नज़ारा देखकर उज्जैन शहर में महाकुंभ में जो स्नान हुए थे और भक्तों की भीड़ उमड़ी थी, वहीं भीड़ और उपस्थिति उस समय दिखाई दी और मिनी कुंभ में नज़ारा बन गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके पिता दशरथ जी का जलदान पिंडदान दिया था। आज सोमवती अमावस्या के महापर्व काल पर अनेक श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के अपने समस्त पूर्वजों का, पितृ देवताओं का जलदान पिंडदान किया है एवं स्नान ध्यान किया है, माँ शिप्रा जी का आरती पूजन इत्यादि किया है। भगवान से यही कामना है कि समस्त जनकल्याण के है लिए भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज एवं माँ हर्षद जी की सभी पर कृपा बनी रहे। और वही अमावस्या काल की आखिरी अमावस्या कैष्ट रख रहे शनि जयंती के साथ में यहाँ पर ये आज लाखों लोगों यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर एवं शिप्रा माता ने स्नान करकर दान पुण्य करकर उनका जीवन का उद्धार किया और राम घाट निर्गंधन पर महादेव पर मैं देखा हूँ पूजन कर रहा हूँ। पंडित राजेश कुमार शर्मा बिंदा मोहर बोला हूँ तथा सारी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।